मित्रों नमस्कार, मैं मेजर सुनील द्विवेदी विधायक फर्रुखाबाद अपनी बात 11 में आपके सामने उपस्थित हूँ। मित्रों आज मैं ज्यादा आपसे बात नहीं कर पाऊंगा क्योंकि वायरल फीवर से ग्रसित हूँ और आप देख ही रहे होंगे कि मेरा गला भी साथ नहीं दे रहा, गला बैठा हुआ है। मैं सिर्फ दो बातें आपसे करना चाह रहा हूँ। एक तो जो पिछली बार मैंने प्रयास किया था फर्रुखाबाद नगर के 4 सब स्टेशन बनवाने का, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फर्रुखाबाद नगर को माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने 4 सब स्टेशन बनवाने की स्वीकृति दे दी है। ये बहुत बड़ा काम हो गया है, एक टाउन हॉल पर, एक लकूला पर, एक भोलेपुर पर और एक कुटरा कॉलोनी पर। इनका बजट भी आ जाएगा और इसके बन जाने से शहर की जो बिजली की समस्या है वो खत्म हो जाएगी। उसके अलावा मित्रों राजकीय इंटर कॉलेज है फतेहगढ़ में, उसमें करीब 13 कक्ष निर्माण को तैयार हो गए हैं। उसमें मैंने ही निर्माण जो कार्य एजेंसी उनसे कहा था, अब वो शिक्षा के लिए पूर्णतया तैयार है। एक ये भी खुशखबरी की बात है। समय समय पर मैं आपको मिलता रहूंगा, अवगत कराता रहूंगा। आज मुझे थोड़ा क्षमा कीजिए क्योंकि मेरी तबीयत नहीं ठीक है, लेकिन आज हनुमान जी की जयंती है। इस हनुमत जयंती पर आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। हम लोग इसी प्रकार से मिलते रहेंगे। कुछ कमेंट्स आ रहे हैं, प्रकाश माया का आया है। ये माया प्रकाश शुक्ला जी ने हमको लिखा है कि ये मानसरोवर गए थे, कैलाश मानसरोवर, तो उसमें जो सरकार की अनुदान राशि है वो 1 लाख रुपए की है और आज ही सरकार ने इनके अकाउंट में 1 लाख रुपए डाल दिए। एक अन्य सज्जन ने शिकायत की थी नाले की, कि गंगानगर का नाला जो है साफ सफाई नहीं हो सकती, इस वहाँ बहुत खराब है और भरा हुआ है। इस संबंध में मैंने प्रशासनिक अधिकारियों से बात की है। उस गंगानगर के नाले पर करीब 30 मकान है जो अवैध है, वो बने हुए हैं, तो या तो वो 30 मकान टूटे ये संभव नहीं है। एक मशीन आती है सॉलिड वेस्ट सकर मशीन जिसे बोला जाता है, वो बाहर से मंगवानी पड़ेगी और मंगवाने के बाद उसको लगवा कर ही हम उस नाले की सफाई कर सकते हैं। ऐसे मैंने 4-5 नाले चिन्हित किए हैं, 2 हाथीखाने में है, 1 गंगानगर में है, 1 कछियाने में है और 1 हैमतपुर गड़िया पक्के पुल से होकर जाता है। ये 5ों नाले अगर सुधार दिए जाए तो हमारी नगर की जो सीवरेज की समस्या है वो खत्म हो जाएगी। सीवरेज से जुड़ा हुआ जो पॉइंट आता है मित्रों, तो मैं आपको बता दूं कि एक सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की मैंने प्रपोजल दिया था, वो स्वीकृत हो गया है और अपने गंगा नदी में जो गंदे नाले गिरते हैं जाकर, उनका जो गंदगी है उसको ट्रीटमेंट करने का, उसको ट्रीटमेंट किया जाएगा और वहाँ से साफ पानी निकलेगा। इसलिए मित्रों ये करीब 250 करोड़ का प्रोजेक्ट है जो सरकार ने स्वीकृत कर दिया है। आज बस इतना ही। आज थोड़ा तबीयत खराब न होने के कारण आपसे ज्यादा मैं रूबरू नहीं हो पा रहा हूँ। आपके सुझाव आते रहे, कमेंट्स में मैं देख रहा हूँ फरजान शमसी का आया है, सलमान शमसी का आया है, जितेंद्र राजपूत है, गोपाल तिवारी है, अर्पित द्विवेदी इज वॉचिंग, प्रभात वर्मा, राधे राधे, ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आए हैं। मैं आपकी समस्याओं के समाधान के लिए संकल्पबद्ध हूँ, आपकी समस्याओं का समाधान करता रहूंगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, नमस्कार मित्रों और हनुमान जयंती की ढेर सारी बधाई।